सो हे गाइस, नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनसीएन का 5.3 ऑफिशियल बिल के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। तो वो सिंपली रिलीज हो चुका है हमारे रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 एस के लिए और बहुत सारे डिवाइसेज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास रेडमी नोट 7 है, इसलिए मैं इसी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस, क्या कुछ इस रोम में वर्किंग है और क्या कुछ यहाँ पे बग्स है, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स के बारे में बताऊँगा, सब कुछ इस बारे में बताऊँगा, और इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो इन तक जरूर से बने रहना। सो गाइस, मेरा नाम है अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मैं सबसे पहले वॉलपेपर की बात करूँ, वॉलपेपर मुझे एक ऐसा वॉलपेपर देखने को मिला था जो कि एकदम बेजान सा था। तो आपको देख सकते हो कुछ इस टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि एकदम ब्लैक ब्लैक इस टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे एनसीएन लोगो दिखाई देगा आपको इस वॉलपेपर में। तो गाइस, मैंने इस वॉलपेपर को सेट कर रखा है। ये वॉलपेपर का चाहिए लिंक चाहिए तो गाइस वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैं अगर इसके यहाँ पे स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी अलग सा आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आपको एंड्रॉइड 11 के हर एक रोम में देखने को मिलता है, वैसे देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे एक भी मतलब फ्रेम शटर देखने के लिए नहीं मिला है। सेटिंग्स की बात करोगे, सेटिंग्स में सबसे पहले ले चलो तो सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये वाला सेट कर रखा है, ये वाला मेरा फेवरेट है। और ये एंड्रॉइड 11 में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, एंड्रॉइड 10 में भी था। तो गाइस, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है यहाँ पे एंड्रॉइड 11 का अलग से नया आ चुका है और कुछ एंड्रॉइड 10 का ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा आपको। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में जाओ तो नोटिफिकेशन में जैसे एंड्रॉइड 11 में हर एक रूम में देखने को मिलता है, वैसे इसमें भी देखने के लिए मिल जाता है। अब देख सकते हो नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो बबल्स में आपको देखने को मिलता है, बबल्स वाला जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है, फिलहाल तो अभी वर्क कर रहा है, पता नहीं फ्यूचर का पता नहीं मेरे को। वो बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी जो देखने को मिलता है, वो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के नाम से आता है इस रूम में। और यहाँ पे देख सकते हो बैटरी का भी यहाँ पे सब कुछ चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो थीम्स दिया गया है, थीम्स में चले जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ पल स्टाइल देखने को मिलता है और बाकी थीम्स जो है वो सब इस सेटिंग में देखने के लिए मिल जाता है। ये है मेगालिथ X1। तो इस पर सिंपली मैं टैप करता हूँ, तो टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, ये सब क्या है, लेकिन इसमें एक एक पार्ट में एक एक अलग अलग कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है और भर भर के कस्टमाइजेशन है। जैसे कि मैंने कर रखा है, आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका जो क्विक सेटिंग्स पैनल आप देख सकते हो, मैंने कुछ इस टाइप का कर रखा है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली इंटरफेस में चला जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे थीम्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थीम्स में यही देखने को मिलता है, यहाँ पे सिस्टम थीम देखने को मिलता है, यहाँ पे चौको या फिर यहाँ पे कुछ भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे एनसेंट क्लियर भी देखने को मिलता है, मटेरियल ओशन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेंट कलर मैंने रेड कर रखा है, तो गाइस ये भी रेड हो चुका है, देख सकते हो आप। यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक जो है यहाँ पे ये भी रेड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कॉल एक्सेप्टर स्विच ऑफ मैंने स्विच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन जो जितने भी यूज़ किया सब कुछ वर्किंग कर रहा है भाई। यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं है जो कि मिसिंग है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स का जो स्टाइल है, वो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे 1 कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं जैसे 17 करता हूँ, ठीक है। तो सेटिंग 17 मैंने कर दिया, तो वैसे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पहले दूसरा वाला था, मेरा फेवरेट वाला था, अभी देखिए यहाँ पे एक एनिमी का आ चुका है। तो वैसे ये भी आप लगा सकते हो इजी से। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 1 UI बाई एनसीएन पे आप चूज करोगे तो गाइस यहाँ पे सेटिंग्स का जो डैशबोर्ड है वो अलग से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हेडलाइन बॉडी फंड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे तरह तरह के आपको यहाँ पे फंड देखने को मिलता है। यहाँ पे डिस्नी का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन शेक भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आइकन शेक में यहाँ पे कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेटस बार के आइकन की बात करो तो गाइस मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, आप देख सकते हो 4 लिखा है, आप देख सकते हो अच्छे से। यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रम थीम का जरूरत नहीं है इस रोम में, आपको ये ऐसे ही देखने को मिल जाता है, एकदम रोम में इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। इसीलिए एनसेंट वाइज एक कस्टमाइजेशन किंग है, और पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपडेट्स आ रहा है तो हम लोग क्यों फ्लैश ना करें। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग सा आपको देखने के लिए मिल जाता है, और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टेटस बार आइकन यहाँ पे लाइन कर रखा है मैंने। नेम बार आइकन स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैंने नेम बार यहाँ पे इनेबल नहीं कर रखा है, यहाँ पे जो बटन है वो मैं नहीं कर रखा है, मैंने यहाँ पे जेस्चर वाले को यहाँ पे कर रखा है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक एस पैनल एंड नोटिफिकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मैंने एनसीएन 1 लगा रखा है, आप चाहो तो कोई भी दूसरा लगा सकते हो। यहाँ पे एक ही है, मतलब 2 है, यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो स्विच अपीयरेंस, यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन है यार। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस बार हाइट, यहाँ पे मैंने बहुत सारा हाइट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने डुअल स्टेटस बार को इनेबल कर रखा है, डुअल स्टेटस बार कैसे इनेबल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डायलर कॉर्नर रेडियस स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल स्टेटस बार पैडिंग देखने को मिलता है, स्मॉल कर रखा है मैंने यहाँ पे सब कुछ, आप देख सकते हो। अभी मेरा यहाँ पे अगर ये वाला पसंद आता है तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्लॉक वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ सब ये वाला क्योंकि मैंने लगा रखा है यहाँ पे ग्रेडियंट वाला, आप चाहो तो दूसरा भी लगा सकते हो ईजिली। तो मैं यहाँ पे इसको एनसेंट 4 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अलग सा यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने के लिए मिल जाता है।
तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो क्विक स्टाइल डिस्को भी आप इनेबल कर सकते हो, जिससे कि आपका यहाँ पे डिस्को मोड में चला जाएगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इनेबल कर दिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग एकदम रेनबो कलर का आपको देखने मिल जाता है, और रेनबो का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाता है। आप देख सकते हो रेनबो का यहाँ पे रेनबो ऑल रेनबो कर रखा है मैंने, ये भी आप सिंपली आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इतना कस्टमाइजेशन के बारे में बता भी मैं भूल भी देता हूँ कभी कभी कि कौन सा क्या कस्टमाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे जो भी है अच्छे से वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे जो जो मैंने इनेबल करा है वो सब कुछ वर्क कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम पैनल की यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बैक पे चला जाओ, यहाँ पे स्टेटस बार में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। देखो आधा समय तो इंटरफेस में चला गया, अभी स्टेटस बार में क्या बताऊँ। फिलहाल ड्यूअल स्टेटस बार को आप यहीं से इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे जाओ डिजल स्टेटस बार, इसको सिंपली इनेबल कर दो, ठीक है। या नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो वैसे लॉन्ड भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसको अगर आपको यहाँ पे करना है तो वैसे आप कर देना यहाँ पे इजीली। स्टेटस बार लेआउट आपको यहाँ पे देखने मिलता है, डुअल स्टेटस बार, डुअल बार यहाँ पे देखने मिलता है, आईओएस स्टाइल देखने मिलता है यहाँ पे, वो इस टाइप का देखने मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर बैटरी है यहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्क आइकन को यहाँ पे भी कर सकते हो, ये वाला इसका फीचर दिया गया है। यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे वोल्टी आइकन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रैफिक इंडिकेटर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई। मैं थक गया, इतना कस्टमाइजेशन भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ जो यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जेस्चर्स की बात करें, जेस्चर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लॉक स्क्रीन का यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, मतलब वो टॉर्च वाला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं देखने मिलता है यहाँ पे। बाकी मैं नीचे चला जाऊँ तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बटन्स आपको देखने को मिल जाता है। बटन्स में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह मैंने इनेबल कर रखा है। यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट भी इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। और मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख लेना यहाँ पे देख सकते हो, तो वॉल्यूम पैनल जो है मैंने स्टाइल को चेंज कर रखा है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ओरियो की भी लगा सकते हो। ओरियो वाला काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नहीं दिखा रहा है, ओरियो का ऊपर दिखाता है। और यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट जो है कॉम्पैक्ट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो गाइस ये कॉम्पैक्ट में चला जाएगा, और जैसे आप इसको एओएसपी में क्लिक करोगे तो एओएसपी में चला जाएगा। तो गाइस एक अच्छा फीचर दिया गया है, आप कोई भी वॉल्यूम पैनल को चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी लैग भी नहीं कर रहा। तो गाइस एक ही दिक्कत यहाँ पे आ रही है, वो है ब्लूटूथ का जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, मतलब ब्लूटूथ। जैसे आप ब्लूटूथ कोई भी ऑडियो को यहाँ पे वो कनेक्ट करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको साउंड सुनने नहीं देता। और अगर आप पबजी खेल रहे हो तो गाइस पबजी भी एकदम स्मूथ चलता है, लेकिन पबजी में भी एक दिक्कत है कि भाई आप अगर एयरफोन को यूज़ करो या फिर आप ब्लूटूथ तो काम ही नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे एयरफोन को यूज़ करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको कोई एकदम अच्छा सा मतलब आपको आवाज़ ही नहीं सुनने देगा। यहाँ पे आपको इनफैक्ट एक मतलब कैसा ही वेयर टाइप का आपको आवाज़ सुनने देगा, आपको मतलब गेमिंग का आवाज़ सुनाई नहीं देगा। मतलब गेम का जो आवाज़ है वो आपको यहाँ पे जैसे शूट कर रहे हो वैसे आपको वो सब का आवाज़ नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ पे चीज करके ऐसा कुछ आवाज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करो DRM इन्फॉर्मेशन की, तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वन प्लस का SD 1913 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे आपको L3 का सिक्योरिटी पेस लेवल देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आपका यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जो जिससे कि आपका यहाँ पे नेटफ्लिक्स अमेजन वगैरह अच्छे से अमेजन प्राइम वगैरह अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेटफ्लिक्स भी अच्छे से चल भी रहा था, यहाँ पे मैंने मिस्टर बीन देखा है, ठीक है। बहुत ही हंस रहा था मैं कल रात को एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छे से नेटफ्लिक्स काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मैजिक्स की, तो मैजिक्स हाइट की, तो वैसे मैजिक्स हाइट आपको यूज़ करना होगा सेफ्टी नेट पास करने के लिए। फिर मैजिक्स का जो APK है उसको भी हाइट करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैजिक्स का जो APK उसको हाइट कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा लोगों, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पे मैजिक्स शो हो रहा है। तो इसको सिंपली यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे आपको हाइड मैजिक्स ऐप यहाँ पे रिस्टोर लिखा रहा है, यहाँ पे आपको हाइड मैजिक्स ऐप का कर देना है इसमें क्लिक, और यहाँ पे मैजिक्स लिख के सेव कर देना है। फिर कुछ टाइम बाद ये जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे कि क्या होगा आपका यहाँ पे आपका जो जितना भी मैजिक्स जितने भी मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन कुछ भी यहाँ पे इंटरनेट आप ब्राउजिंग कर रहे हो तो गाइस वहाँ पे आपको मैजिक्स शो नहीं होगा और रूटेड डिवाइस शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे प्ले स्टोर के सर्टिफाइड की, तो गाइस वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस है सर्टिफाइड, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। L3 के साथ आता है, वाइडमैन L3 के साथ आता है, और ये रोम आप ट्राई कर सकते हो ऐसे में। और अगर यहाँ पे और कुछ दिखाना है तो यहाँ पे मैंने कैमरा की बात नहीं किया। तो गाइस कैमरा अगर आप दिखाओ तो गाइस कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है। PX कैमरा यूज़ करता हूँ मैं, PX जो कि गूगल कैमरा 8.1 का यहाँ पे पोर्ट यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से सब कुछ वर्किंग भी है, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज़ भी लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस टाइप का आपको फोटो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एकदम इन्हेंस्ड आपको आपको तो पता ही होगा अगर आप एक GCam लवर हो या फिर GCam यूज़ करते हो आपके कस्टम रूम में या फिर स्टॉक रूम में। तो गाइस जो जो GCam यूज़ करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस की बात करूँ तो गाइस फ्लैशिंग प्रोसेस के लिए आपको सिंपली इस आई वाले बटन में मैंने जिस रोम को फ्लैश किया है उसको जाके आप देख लो, उसमें लास्ट में मैंने बताया कैसे फ्लैश करना है। सेम उसी तरह से इसको भी फ्लैश कर देना है।
और फ्लैश करते ही आपको फ़ोन बूट ओपन हो जाएगा। और अगर फिर भी फ्लैश नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, टेलीग्राम के ग्रुप में मेरा ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पे जाकर मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा या फिर कोई भी रिप्लाई दे देगा जो भी ऑनलाइन है, ठीक है। तो गाइस मैंने इसका स्टॉक स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, आप ट्राई करके मुझे को बता देना यहाँ पे, और बाकी सब कुछ इस वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है। सो गाइस उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, अगर वीडियो बहुत ही पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया तो क्या करना है ये आपको पता है। सो गाइस मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।